मेरे आप बेटा, आपको ये तो पता ही है कि 11th में पढ़ते हो, आ गए हो, और 11th का थोड़ा बहुत सिलेबस देख के इतना तो एहसास हो गया होगा कि थोड़ा सा 10th से अलग स्टडी करना होता है, एक अलग अप्रोच के साथ पढ़ना पड़ता है, साथ के साथ पढ़ना पड़ता है। तो आपको पिछली क्लास का पढ़ के आना पड़ेगा, तब आपको अगली क्लास समझ में आती है। तो चलिए कोई नहीं, मैं ये मान के चल रहा हूं कि आप मेरी इतनी बात मानते होगे, पढ़ के आए होगे। तो मैं आपको कन्वर्जन सिखाना है, मुझे आपको कन्वर्जन सिखाना है। कन्वर्जन ऑफ, कन्वर्जन क्या कह रहे बेटा, एक मिनट, रेगुलर का मतलब ऑनलाइन ऑफलाइन, मतलब ऑनलाइन में रेगुलर कह रहे हो या ऑफलाइन कह रहे हो आप, रेगुलर का मतलब नहीं समझा। ऑनलाइन अभी अभी नहीं होंगी बेटा रेगुलर, ये जून तो ऐसे ही चलेगा, उसके बाद देखते हैं, अभी ना बच्चे ही नहीं आ रहे बच्चे। ठीक है चलिए, फिलहाल मैं आगे का पढ़ाता हूं। देखिए हमने उस दिन जो सिखाया था उसको आगे बढ़ाना है। पहले मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपको उस दिन ये समझ में आ गया कि यदि एक्स कोई फिजी, रिवीजन नोट, आज का रिवीजन नोट, रिवीजन नोट ये है कि यदि कोई फिजिकल क्वांटिटी एक्स है और उसकी डायमेंशन कुछ इस एम एल बी टी की पावर सी कुछ इस टाइप में होगी, डायमेंशन उसकी कुछ इस अंदाज में डायमेंशन होती है, तो हम इससे डायमेंशन यदि हमें पता हो तो हम कोई सी भी यूनिट बना सकते हैं। मैं एसआई और सीजीएस बनवा रहा था, जनरली मैंने एसआई सीजीएस एसआई सीजीएस बनवाए थे, लेकिन आज आपको ये मानना है कि जैसे आपको कोई यूनिट बनानी है U1, वो एसआई हो सकती है, वो अग्रवाल चार्ट भंडार की यूनिट हो सकती है, ठीक है, इस ब्रह्मांड की कोई भी। तो एम ज्यादा से ज्यादा क्या अंतर हो, जैसे दो लोग हैं जो अलग अलग यूनिट बनाना चाहते हैं, तो हो सकता है ये बंदा मास के लिए कोई नई यूनिट इस्तेमाल करे, लेंथ के लिए नई यूनिट इस्तेमाल करे, टाइम के लिए कुछ नई यूनिट इस्तेमाल करे, ये बंदा मास के लिए कोई और सिंबल यूज करे, लेंथ के लिए कुछ और, टाइम के लिए कुछ और, लेकिन इन दोनों में समानता ये होगी कि ये पावर वही दोनों ओबे कर रहे होंगे। याद आया पिछली क्लास का, ये पिछली क्लास का ये याद आया कि यदि आप डायमेंशन से यूनिट U1 माने यूनिट वन, आप इसे U1 यहां भी लिख सकते हो कि पहली यूनिट सपोज करो ये है, ये U2 है सपोज करो, आप ऐसे भी लिख सकते हो, ये यूनिट वन यूनिट टू, यूनिट वन से यूनिट टू में जब हम जाते हैं तो डायमेंशंस नहीं चेंज होती, पावर्स नहीं चेंज होते, केवल M1 की जगह M2 आ जाएगा, जैसे किलोग्राम की बजाय ग्राम आ जाएगा, मीटर की जगह सेंटीमीटर आ जाएगा, सेकंड की जगह मिनट आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। ये पिछली क्लास का रिवीजन नोट, ये उम्मीद करके कि यहां तक आपने पढ़ा हुआ है, आगे देखिए नया नोट दी में, ये था रिवीजन नोट, अब आगे का नोट देखिए। जब भी हम किसी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करते हैं, जब भी हम किसी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करते हैं, तो देखिए लेट एक्स इज मेजर्ड, आपने इसे नापा, तोला, एक्स इज मेजर्ड, आपने एक्स को मेजर किया, देन इट इज रिटन एज, देन इट इज रिटन एज, यदि आपने किसी एक्स, क्या है, कुछ भी हो सकता है एक्स, ये वेलोसिटी हो सकता है, डेंसिटी हो सकता है, एरिया हो सकता है, वॉल्यूम, तो यदि आप एक्स को मेजर करते हो तो एक्स जब मेजर करोगे तो आप इस तरीके से लिखोगे N U N U, नहीं आया समझ में, ऊपर से बाउंस कर गया, ऑब्वियसली बाउंस ही करेगा ये क्या लिख दिया। जब भी कोई फिजिकल क्वांटिटी आप मेजर करते हो तो एक उस मेजरमेंट में यूनिट शामिल होती है और एक उसमें एक न्यूमेरिकल वैल्यू भी इंक्लूड होती है, एक न्यूमेरिकल वैल्यू होगी और एक यूनिट होगी। अब भी नहीं समझे, नहीं आना चाहिए समझ में सच्ची में, यदि ये ऐसे ही समझ में आ जाए तो ऋतुराज वाशनी की क्या इज्जत रहेगी। अब मैं समझाऊंगा, क्योंकि तो इतना तो हर बुक्स में लिखा होगा कि एक्स बराबर एन यू, यू का मतलब यूनिट, एन का मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू, जब भी कोई फिजिकल क्वांटिटी मेजर होगी और जब आप उसको मेजरमेंट के साथ देखोगे पक्का एक न्यूमेरिकल वैल्यू होगी और उसके साथ एक यूनिट अटैच होगी। चीजें आती है एग्जाम्पल से समझ में, जैसे सपोज करो आपने मेजर की लेंथ, है ना, इस कमरे की लेंथ कितनी है, तो आपने लिखी लेंथ इक्वल टू 25 मीटर, तो आप गौर से देखो, टक टक ही लगा के देखो, घूर घूर के देखो, एक इस लेंथ का जब आपने मेजरमेंट रिपोर्ट किया तो एक न्यूमेरिकल वैल्यू है और एक यूनिट है, लेंथ इक्वल टू न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट 25 मीटर, ये क्या है बेटा यू, ये क्या है एन, ये यू। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, एक से पेट नहीं भरा, मैंने भैया 10 किलो लड्डू दियो, 10 किलो लड्डू,
तो ये 10 क्या है, एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, एक यूनिट है। जब भी आप कोई भी फिजिकल क्वांटिटी मेजर करोगे, एक न्यूमेरिकल वैल्यू डेराइव फिजिकल क्वांटिटी यूनिट करोगे, तो उसमें एक न्यूमेरिकल वैल्यू होगी, एक यूनिट होगी। आप ये नहीं कहते दूध वाले से जाते हो कि भैया 20 दूध दे दे, यू कहते हो भैया 20 दूध दे रही हो, खाली ऐसा नहीं कि खाली नंबर बोलोगे, उसके साथ एक यूनिट अटैच करनी पड़ेगी। ना आप खाली नंबर बोल सकते ना खाली यूनिट बोल सकते, ओ भैया मुझे 40 दूध दियो, ये क्या होता है 40 दूध, 40 लीटर, 40 मिली लीटर, कुछ इस अंदाज में बोलना पड़ेगा, ठीक है। या खाली यूनिट नहीं बोल सकते, सोन पपड़ी लेने गए, हाँ भैया केजी सोन पपड़ी दे दे, केजी सोन पपड़ी दे दे, केजी लड्डू दे दे, रबड़ी दे दे, केजी, खाली यूनिट बोल रहे हो, एक नंबर भी बोलना पड़ेगा, एक यूनिट। हो ये दो एग्जाम्पल, इतने तो समझदार हो, फिर भी मेरे पास जगह है तो एक और एग्जाम्पल घुसेड़ देता हूँ। सपोज करो आज बहुत गर्मी है, आज का टेम्परेचर कितना है, टी फॉर टेम्परेचर, ठीक है, आज का टेम्परेचर है सपोज करो 40 है आज, 40 क्या होता है 40 डिग्री सेल्सियस, तो एक नंबर और एक यूनिट। तो ऐसे इस सारी चीजों को एक बार में लपेट दिया, एच माने कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जब आप मेजर करते हो तो एन यू के साथ आती है। फिर एक और चीज, ठीक है, फिर पूछूंगा एक साथ कि दोनों समझ में आएगी नहीं आएगी। नेक्स्ट नोट, अब यदि एक फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने की जिम्मेदारी आपने दो लोगों को दी, ले भाई ये ले चौक, इसकी लेंथ मेजर कर, ये ले कमरे की लेंथ, ये रहा कमरा इधर लेंथ, तू मेजर कर, तू मेजर कर। अब दो लोग मेजर कर रहे हैं फिजिकल क्वांटिटी, भाई हो तो मान लो एक ही फिजिकल क्वांटिटी को दो लोगों को मेजर करवाया, तो लेट या इफ अ फिजिकल क्वांटिटी एक्स, इफ अ फिजिकल क्वांटिटी एक्स इज मेजर्ड इन टू डिफरेंट यूनिट, समझा दूंगा टेंशन मत लो, इन टू डिफरेंट यूनिट, इफ एक्स इफ अ फिजिकल क्वांटिटी एक्स, यही एक्स, इफ फिजिकल क्वांटिटी एक्स इज मेजर्ड इन टू डिफरेंट यूनिट, देन देन एक्स इक्वल टू एन वन यू वन इक्वल टू एन टू यू टू। एक आपको ये फॉर्मूला देखो, एक ये रिविजन नोट आपको तैयार रखना है पिछली क्लास का, एक ये और एक ये। अब ये भी ऊपर से गया है ना, सच्ची बताओ ऊपर से गया या नहीं गया, जल्दी बोलो ऊपर से गया तो हाँ टाइप कर दो कि हाँ सर ये भी ऊपर से गया। तभी मुझे अच्छा लगेगा यदि ये ऊपर से गया तो, मुझे अच्छा लगेगा कि यदि ये ऊपर से गया तो, ठीक, तभी तो समझ में आएगा, तभी तो मेरी इंपॉर्टेंस आएगी, तभी तो मेरी इंपॉर्टेंस आएगी कि देखो हमें कुछ नहीं था इसमें भी, कुछ भी नहीं था इसमें भी। चलिए समझाता हूं कि जब, अच्छा एक बात होती है, ये तो समझ में आ गया ना मेरे इस एग्जाम्पल से देने के बाद, समझ में आ गया था ना, जल्दी बताओ, अब हाँ ना टाइप करो कि मेरे इस एग्जाम्पल देने के बाद आ गया था ना, ये भी आ जाएगा। मैंने क्या बोला कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने की जिम्मेदारी यदि दो लोगों को दी जाती है, दो लोगों को, तो फिर आपको हो सकता है इस तरीके से लिखना पड़े। मतलब बताता हूं एग्जाम्पल, वही जैसे मैंने इस कमरे की लेंथ मेजर करने के लिए कहा, तो रामलाल ने कहा सर ये लेंथ 25 मीटर है, रामलाल ने कहा ये 25 मीटर है, और श्यामलाल ने कहा नहीं नहीं ये 2500 सेंटीमीटर है। समझिए, उसी लेंथ को एक बंदे ने मीटर में मेजर किया और एक ने सेंटीमीटर में, लेकिन क्योंकि लेंथ वही थी तो आपको ये इक्वल तो लिखना पड़ेगा। बस अंतर यह था कि रामलाल ने उसे मीटर में यूज किया, उसे दूसरे ने सेंटीमीटर। एक फिजिकल क्वांटिटी को मेजर जब आप दो अलग अलग यूनिट में करते हो, दो अलग अलग यूनिट में करोगे, तो आप चीज नोटिस करिए, ये क्या चीज है एन, ये क्या चीज है यू, यही तो है, तो फिर ये क्या चीज है, ये भी एन है, ये क्या चीज है, ये भी यू है ना, ये भी एन यू। तो क्योंकि जब क्लास में दो अभिषेक होते हैं तो अभिषेक वन और अभिषेक टू लिख दिया जाता है रजिस्टर में सिंपलिसिटी के लिए, क्योंकि इस समय इस फिजिकल क्वांटिटी को दो अलग अलग अंदाज में मेजर किया, तो ये यूनिट वन ये यूनिट टू, और यूनिट ये क्या चीज है, फिर ये यूनिट वन में आई न्यूमेरिकल वैल्यू, ये यूनिट टू में आई न्यूमेरिकल वैल्यू। अब आप बताओ, अब समझ में आ गया, ये जल्दी बताओ, एन वन यू वन इक्वल टू एन टू यू टू, अब आया समझ में। लेकिन शर्त याद रखना, बोथ आर इक्वल टू द सेम फिजिकल क्वांटिटी,
जब एक ही फिजिकल क्वांटिटी को दो अलग अलग अंदाज में मेजर करोगे तो दो अलग अलग यूनिट आएंगी, तो दो अलग अलग न्यूमेरिकल वैल्यू भी आएंगी। एक रैंडम एग्जांपल और ले लेते हैं, मान लो इसी लड्डू का ले लेते हैं 10 किलो, इसी ये, या चलो टाइम का ले लेते हैं, कोई टाइम का भाई कितने हो गए। कोई कहता है मान लो यार एक घंटा हो गया, एक घंटा हो गया यार देखते देखते बर्दाश्त करते करते, है ना। और एक कहता है कि नहीं नहीं 60 मिनट हो गए। तो ये क्या चीज है, यदि एक ही फिजिकल क्वांटिटी को दो अलग 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 तरीके से रिपोर्ट कर सकते हैं, इसमें कोई गुनाह नहीं कर रहा, कोई गुनाह नहीं कर रहा, ठीक है। जैसे एक मिनट मुझे बताओ, 1 ग्राम गोल्ड इक्विवेलेंट टू 50,000 रुपए, बिल्कुल वो 5,000 रुपए सॉरी लगभग आज की डेट में, मैंने इक्वल नहीं लगाया है लेकिन ध्यान रखना इक्विवेलेंट। अब मुझे कोई आज की डेट में यदि 1 ग्राम गोल्ड और 5,000 रुपए बराबर है, मुझे किसी से 5,000 रुपए चाहिए, उसके पास पैसे नहीं है, वो ये कहता है चल तू 1 ग्राम गोल्ड रख ले, तो कायदे से मुझे संतुष्ट हो जाना चाहिए क्योंकि 1 ग्राम गोल्ड की कीमत 5,000 रुपए, तो ये दोनों बराबर ही तो वैल्यू है। तो यदि कोई एक घंटा बोलते चाहे 60 मिनट बोलते उसी टाइम को, तो ये क्या चीज है, ये न्यूमेरिकल वैल्यू, ये क्या चीज है एक्स, ये क्या चीज है, ये एक्स है, एक्स माने कोई भी फिजिकल क्वांटिटी, यदि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी इस समय टाइम है, तो ये न्यूमेरिकल वैल्यू है, ये यूनिट है, ये न्यूमेरिकल वैल्यू है, ये यूनिट है ना। लेकिन क्योंकि दो दो यूनिट है क्लास में, दो दो अभिषेक है, तो अभिषेक 1 अभिषेक 2, तुम्हें पता है अमेरिका में जनरली बच्चों के नाम एंडरसन पीटरसन जॉनसन है ना, ये लगे रहते हैं, पता है क्यों, ताकि मम्मी को पता हो कि ये एंडर का है तो ये एंडरसन, ये जेम्स का है तो जेम्सन, ये जॉन का है जॉनसन, ये पीटर का है पीटरसन। वहां बच्चे से पूछो कि तुम्हारे पापा कौन है, जी मेरे पहले पापा से 3 मम्मी है और तीसरी मम्मी से 4 पापा है, तो वहां बसर हो जाती है। नहीं तो ऐसी जब बसर से बचने के लिए हम यहाँ सरनेम सरनेम रख देते हैं, यहाँ पे U1 U2 रख दिया, ये क्या चीज है फिर N1 N2। होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा N1 U1 इक्वल टू N2, दैट इज इसको एज ए फॉर्मूला ड्रॉप कर देते हैं, ठीक है। अब बताओ ये बॉक्स समझ में आ गया, जल्दी से फटाफट टाइप करो, बॉक्स समझ में आया जल्दी से स्पीड से, ये समझ में आ गया N1 U1 इक्वल टू N2 U2, ठीक है। ये पीले पीले हाथ मत दिखाया करो मुझे, टाइप किया करो, ठीक है। चलिए अब सुनो, हाँ देखिए, तो फिलहाल आपका काम सीरियसली आज की क्लास में इस फॉर्मूले से और इस फॉर्मूले से होने वाला है, इससे इस रिवीजन नोट से केवल, यदि आपको समझ में आ गया तो बिलीव मी आपको आज केवल इन्हीं दो फॉर्मूले से काम लेना है, बस पूरी क्लास निबट भी बहुत आसानी से। अच्छा एक कंपटीशन लेवल का एक अप्रोच आपसे देखना चाहूंगा कि आप वहां तक पहुंच पाते हो कि नहीं। एक्स इक्वल टू एन यू है ना, एक चीज मैं समझा रहा हूं आपको, समझ लेना, स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं है इसकी, इसका मतलब एक चीज नोट अलग से बता रहा हूं मैं कि एक्स इक्वल टू एन यू, ठीक है। तो यहां से एन कितने बराबर आ गया, एक्स अपॉन यू, तो गौर से देखो क्या मतलब है, एन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू यू, इसका मतलब समझे, किसी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए जितनी बड़ी यूनिट होगी, जितनी बड़ी यूनिट होगी न्यूमेरिकल वैल्यू उसमें उतनी छोटी आएगी। इसमें गौर से देखो, यूनिट बड़ी है मीटर, यूनिट बड़ी तो मीटर और सेंटीमीटर में कौन बड़ा होता है, मीटर। तो जब जो बड़ी यूनिट है, यूनिट बड़ी है, यूनिट बड़ी है तो न्यूमेरिकल वैल्यू छोटी होगी। तो देखो यूनिट तो ये बड़ी है लेकिन इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू 25 जुड़ी हुई है बस, इसमें ये यूनिट छोटी है न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ी आ रही है। फिर से देखो यही मतलब है इसका, झंडू सी चीज है, ठीक है। तो इसमें गौर से देखो, आर और मिनट में कौन बड़ा होता है, आवर बड़ा होता है, जो बड़ा होगा बड़ी यूनिट होगी, जो बड़ी यूनिट होगी यदि आप बड़ी यूनिट इस्तेमाल करोगे तो न्यूमेरिकल वैल्यू छोटी आएगी। तो आवर बड़ा होता है तो उसके बगल में बस 1 लिखा हुआ है, मिनट थोड़ा छोटा होता है उसके बगल में 60 लिखा हुआ होता है। इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो लीजिए बेटा जल्दी से जल्दी से। हो गया होगा स्क्रीनशॉट। चलिए तो मैं इसको नहीं मिटा रहा हूं अभी, मेरे पास यदि इंटरेक्टिव स्मार्ट बोर्ड होता तो मैं इसको यहां खिसका देता। तो रिवीजन नोट ये और आज का एंड आज की बात, N1 U1 इक्वल टू N2 U2, ठीक है। ये दो बातों को लेके आज की क्लास को आगे बढ़ाते हो। देखिए हो गया काम आपका आज का। तो देखिए अब हमारी हेडिंग थी क्या,
पिछली क्लास में हेडिंग थी क्या? हेडिंग थी एप्लीकेशन डायमेंशन की तीसरी एप्लीकेशन। क्या हेडिंग थी? हेडिंग ये थी कन्वर्जन फ्रॉम वन सिस्टम ऑफ यूनिट टू अनदर सिस्टम ऑफ यूनिट। कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट टू अनदर। तो देखिए ये क्या फॉर्मूला है, इसमें दो अलग अलग एक ही फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए दो यूनिट इस्तेमाल की गई है। तो देखिए सिंस यहां से स्टार्ट करता हूं, सिंस एन वन यू वन इक्वल टू एन टू यू टू, ठीक है, तो यहां से एन टू का फॉर्मूला क्या बन गया। एक्चुअली मैं आता हूं सवाल किस तरीके से आएंगे, मैं करने क्या जा रहा हूं। आपसे सवाल आया बताइए 36 किलोमीटर पर आवर मैं कितने मीटर पर सेकंड होंगे, ये सवाल आएगा। इस टाइप के सवाल आएंगे कि 36 किलोमीटर करना नहीं है, करके नहीं बताना, मुझे पता है, मैंने एक आसान सा कन्वर्जन लिख दिया है और जैसे आप कर भी जाओगे, टीचर का काम पहले आसान चीज को पकड़नी तो होता है, ठीक। अब देखिए तो अब आपका सवाल कुछ इस अंदाज में आएगा कि 36 किलोमीटर पर आवर में कितने मीटर पर सेकंड होंगे। तो देखिए ये क्या चीज है, इसे एन वन मान लेना, इतने हिस्से को क्या मान लेना, ये यूनिट इस्तेमाल हो रही है, दिस इज यूनिट वन, है ना। ये क्या चीज है, ये दूसरी यूनिट। तो आपका काम क्या रहेगा, ये एन टू, यानी आपको निकालना क्या है, समझना बेटा, एन वन यू वन इक्वल टू एन टू यू टू, है ना, इसमें एन टू निकालना है। अब आपकी सिंपल मैथ, यदि कोई इक्वेशन में से एक दो तीन चार, चार में से तीन चीजें आपको पता हो, आपको ये भी पता हो, आपको ये भी पता हो और आपको ये भी पता हो, तो फिर तो आप निकाल ही लोगे। बोलो क्या लगता है, चार में से तीन चीजें बताओ, एक दो तीन चार, चार में से तीन चीजें बताओ, तो बची हुई तो आप निकाल ही लोगे। तो क्योंकि एक सवाल इस अंदाज में आने वाला है, क्योंकि सवाल कुछ इस अंदाज में पेश होगा, तो इसीलिए मैं एन टू का फॉर्मूला बना लेता हूं। तो आपको ना जो चीज निकालनी हो उसे एन टू मान लेना, एन टू इक्वल टू क्या आया, एन वन यू वन अपॉन यू टू, देख के बताओ एन टू आपको ये निकालना पड़ेगा, ठीक है, और एन टू इक्वल टू एन वन, ये u1 u2 क्या है, u1 की वैल्यू ये रख रहा हूं, u2 की वैल्यू ये रख रहा हूं। u1 क्या है, यूनिट वन, यूनिट वन क्या थी, m1 l1 t1 a b c, यही तो थी u1 अपॉन u2, u2 ये थी, वो बस वो मास की जगह नया मास यूज कर लेगा यूनिट, लेंथ के लिए कोई और यूनिट यूज कर लेगा, टाइम के लिए कोई और यूनिट, लेकिन पावर्स तो वही आएंगी ना। ये इसको थोड़ा सस्ते में लिख देता हूं, फिर मुझे लास्ट में एक बार और हाँ जवाब देना, एन वन इतनी महंगाई है तो हम ए ए दो बार खर्च करने की बजाय एक बार ना खर्च करें, एल वन अपॉन एल टू बी टी वन अपॉन टी टू सी, जल्दी से स्पीड से टाइप करके बताओ, नहीं तो मैं दोबारा बताऊं। क्या ये बॉक्स समझ में आ गया, ये बॉक्स समझ में आ गया है नहीं आ गया, 20 सेकंड दे रहा हूं, आंखों में भर लो, स्क्रीनशॉट लेना चाहो मेरे वाटरमार्क के साथ, है नहीं, स्क्रीनशॉट ले लो, आ गया, तो चलिए स्क्रीनशॉट लो, मैं अब सब कुछ मिटाने वाला हूं और इस फॉर्मूले को लिखने वाला हूं केवल, लीजिए बेटा स्क्रीनशॉट। चलिए तो मैं सब कुछ मिटा देता हूं और सहूलियत के लिए फाइनल एक जो फॉर्मूला डराया हुआ है, देखो ये हम इस फॉर्मूले पे काम करने वाले हैं, एन टू इक्वल टू क्या निकला है, एन वन एम वन अपॉन एम टू पावर ए, एल वन अपॉन एल टू पावर बी, टी वन अपॉन टी टू पावर सी, दिस इज गोइंग टू बी इक्वेशन वन। चलिए शुरुआत करते सवाल करने की, अब बहुत देर हो गया, बहुत देर हो गई चटरपटर करते करते करते, मेन फॉर्मूला ये है बेटा। अब देखो कैसे, पहला सवाल लेंगे तो समझ में आएगा, बहुत सस्ता सवाल दे रहा हूं, बिल्कुल बच्चों जैसा, दो तीन सवाल तो बच्चों वाली दूंगा, ठीक है, सवाल वही ले लेते हैं कि 36 किलोमीटर पर आवर है, इसमें कितने मीटर पर सेकंड होंगे। हो सकता है इनमें से कई होशियार बच्चे बैठे होंगे, वो आंसर देने के लिए फड़फड़ा रहे होंगे, आंसर नहीं चाहिए मुझे, मुझे आंसर नहीं चाहिए, मैं आज आपको इस फॉर्मूले को कैसे ऑपरेट करते वो सिखा रहा हूं, इस फॉर्मूले को ऑपरेट करना सीखो, ठीक है। चलिए आप क्या करेंगे, पहले तो ये पहचानो कि ये कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है, थोड़ा पहचानने की कोशिश करो, ये फिजिकल क्वांटिटी कौन सी है पहचानो, ये स्पीड है या वॉल्यूम है या फोर्स है या प्रेशर है, एरिया है, वॉल्यूम है, पहचानो,
जी हाँ ये स्पीड है, ये यहाँ स्पीड है। और टेंशन मत लो, यदि आप नहीं पहचान पाए तो भी होगा सवाल, ठीक है। फिलहाल तो हम पहचान गए, तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सिंस एक्स जो कि स्पीड है यहां पे, और स्पीड है उसकी डायमेंशन क्या है, एम जीरो एल टी माइनस वन। पहले तो ये लिख दीजिए, लिख दिया स्पीड, ये जो फिजिकल क्वांटिटी है ये स्पीड है, स्पीड की डायमेंशन लिख दी, ये होती है। इसका मतलब, अच्छा इसका मतलब दैट इज, इसका मतलब ये हुआ कि हम ये वाला जो फॉर्मूला यूज करेंगे तो ए की वैल्यू जीरो है, बी की वैल्यू वन है और सी की वैल्यू माइनस वन है। ए का क्या मतलब था, ए का मतलब जो मास है उसकी क्या डायमेंशन है, बी का मतलब जो लेंथ है उसकी क्या डायमेंशन है। तो बताओ मास की डायमेंशन जीरो है, लेंथ की डायमेंशन जो कि बी है वो वन है, इतना लिख देंगे। मैं एक सस्ते सवाल को महंगा करके बता रहा हूं, नो डाउट ये सस्ता सवाल है लेकिन इसको महंगे तरीके से समझो प्लीज। तो पहले आप फिजिकल क्वांटिटी ढूंढेंगे कि स्पीड है, फिर उसकी डायमेंशन अरेंज कर देंगे, फिर आप ये देखिए यूनिट वन, पहचान में आ रही है तो ठीक, नहीं तो ऐसे लिख देंगे। बताना जो यूनिट वन है, ठीक है, यूनिट वन जो हम पहले यूनिट में थे भाई, ये एन वन है, ध्यान करो ये हिस्सा क्या है एन वन, ये क्या है यू वन, ये एन टू और ये यू टू। तो आपको करना है कि एम वन एल वन टी वन, पहले इतना लिख दो, एम टू एल टू टी टू, इतना कर लोगे। बताइए जो पहली यूनिट इस्तेमाल की गई है उसमें लेंथ के लिए कौन सी यूनिट यूज की जा रही है, गौर से देखो, लेंथ के लिए यूनिट यूज की जा रही है किलोमीटर लेंथ, टाइम के लिए कौन सी यूनिट यूज की जा रही है आर। एक्चुअली किलोमीटर ना लिखे, वन किलोमीटर लिखेंगे तो और अच्छा है, आपने खाली लिखा किलोमीटर, चलो लेकिन किलोमीटर और वन किलोमीटर एक ही बात है, क्योंकि जिसका कोई नहीं होता, जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान भगवान वन 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 तो होता ही होता है। वन एक ऐसी चीज है जो सबके साथ चिपकी हुई है ऑलरेडी, आप उसे चाहोगे तो भी नहीं हटा सकते। तो इसलिए जब आपने इस यूनिट को झांका पहली यूनिट, तो लेंथ के लिए किलोमीटर यूज हो रहा है, आप उसे वन लिख दीजिए, टाइम के लिए आर यूज हो रहा है। जो दूसरी यूनिट में हम जाना चाह रहे हैं वह लेंथ के लिए मीटर यूज हो रहा है वन, टाइम के लिए सिंबल यूज हुआ है सेकंड, और रही बात मास की वो हमें पता नहीं, हमें पता नहीं, तो आप खाली एम वन एज इट इज छोड़ दो, एम टू नहीं पता उसको एज इट इज छोड़ देना। भाई उसमें क्लियर पिक्चर है ही नहीं कि मास के लिए क्या चाह रहा है, वो कुछ आइडिया है ही नहीं, तो जिसके बारे में नहीं पता हो उसको एज इट इज लिख देना, अपनी जबरदस्ती चुल्ल मत घुसाना, इसमें भी नहीं पता होगा फिर आपको इतनी लिस्ट। ये लिस्टिंग करनी समझ में आ गई या नहीं आ गई, पहले फिजिकल क्वांटिटी को पहचानो, उसकी डायमेंशन लिखो, डायमेंशन लिखते आपको एबीसी पता चल जाएंगे, फिर ऐसे करके ये कैटेगरी बनाना, ये देखना कि जो पहली यूनिट है, यूनिट जो है ना उसमें एम एल और टी के लिए क्या क्या सिंबल इस्तेमाल हुए हैं, और जो दूसरी यूनिट है जिसमें हम कन्वर्ट करना चाह रहे हैं उसमें एम एल टी के लिए क्या यूज हो रहे हैं। एक चीज और रहेगी एन वन, बताइए एन वन कितना है, एन वन ढूंढ के बताओ एन वन। अब तो आप एन वन का मतलब समझ गए, दिस इज एन वन, वो 36 है, और एन टू ही तो पता करना है हमको। आप ऐसे लिस्ट बनाओगे, ऐसे लिस्ट बनाओगे, ये आदत डाली बेटा ये लिस्ट बनाने की। फिर उसके बाद मैं बार बार बोल रहा हूं, कई होशियार तो बच्चे होंगे यहां कि अरे क्या करवा रहे हैं, तो हम ऐसे कर लेते, नहीं करना है ऐसे ही। अब आपको नाउ यूजिंग फर्स्ट देयर फोर फ्रॉम फर्स्ट, अब आप इक्वेशन फर्स्ट को इस्तेमाल करोगे, इक्वेशन फर्स्ट को एन टू इक्वल टू, बताइए एन वन, एन वन की जगह क्या रखना है 36, फिर एम वन, एम वन की जगह एम वन एम टू, एम वन एम टू का हमें कोई क्लू मिला ही नहीं, एम वन एम टू के कोई एविडेंस ही नहीं मिले, कोई ट्रेसेस ही नहीं मिले, उसकी पावर ए, ए ए कितनी वैल्यू है जीरो, देखते चलो बेटा उसकी पावर जीरो। अब एल वन, यार एल वन तो पता है, एल वन कितना है वन किलोमीटर अपॉन एल टू, वन मीटर पावर बी, बी 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 फॉर वन, मैं भी आपसे पूछूंगा पहले वैल्यू रखो, टी वन, टी वन है कितना है वन आर, टी टू कितना है टी टू वन सेकेंड, वन सेकेंड, और पावर सी जो कि माइनस वन,
जल्दी बताइए बेटा, 10 सेकंड आंखों में भरिए। ये फॉर्मूले को यूटिलाइज करना आया नहीं आया? ये लिस्ट बनाई इसलिए बेटा, मेन काम तो ये करना है मेन। ये लिस्ट मैंने कंजनों के लिए बनाई है, एक एक स्टेप कि देखो इस फॉर्मूले में एन वन रखना होगा तो क्या रखोगे, एम वन रखना होगा तो क्या रखोगे, एम टू रखना होगा तो क्या रखोगे। जब आपकी प्रैक्टिस हो जाए, अभी तो नहीं अलाउ करूंगा, तो आप ये लिस्ट विस्ट मत बनाना। काम तो आपको ये, आप इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है, सॉल्व करते हैं। तो एन टू इक्वल टू, ध्यान रखना नंबर आना चाहिए सिर्फ यहां पर, किसी की भी पावर जीरो क्या होती है बोलो, एम वन अपॉन एम टू, किसी की पावर जीरो वन होती है, तो ये भाई साहब तो वन हो गए। अब 1 किलोमीटर, अब इसको सॉल्व करिए बेटा, या तो इसे मीटर में कन्वर्ट कर दीजिए या इसे किलोमीटर में, जो आपको इजी लगे। मुझे ऊपर वाला इजी लग रहा है, तो मैंने 1 किलोमीटर में 1000 मीटर लिख दिए, और नीचे तो 1 मीटर है, ये ब्रैकेट बंद और पावर 1 है, 1 लिखो मत लिखो, 1 आवर। उसमें 1 आवर में 3600 सेकंड होते हैं, और 1 सेकंड तो ये ऑलरेडी लग रहा है पावर -1। अब एक चीज सीखिए, केवल नंबर से नंबर काटना आपने सीखा होगा बेटा, यूनिट भी कटती है, मीटर से मीटर कट गया, सेकंड से सेकंड कट गया, यूनिट भी कटती है। अब देखिए ये क्या नंबर, यहां क्या है 36, ये 1, ये 1000, नंबर ही बचा, यूनिट तो कट गई, और ये बचा 3600 की पावर -1। इसको नीचे लिख लीजिए, देखना बेटा ये समझ में आया नहीं, ये ऊपर नीचे का सिस्टम, ये देखो ऊपर नीचे का सिस्टम समझ में आया, आया ना, ठीक। अब आप क्या करिए, अब आप क्या करिए, काट दीजिए, पीट दीजिए, जो कट रहा है उसे काट दीजिए, जो पिट रहा है उसे पीट दीजिए। ये डबल जीरो निकल ली, वो 36 निकल गया, 10 रह गया, ध्यान रखना मात्र 10 आएगा, ना बगल में मीटर आ रहा, ना बगल में लीटर आ रहा, कुछ नहीं आ रहा, सिर्फ नंबर बचना चाहिए। यदि नंबर के अलावा कुछ बच रहा है तो आपका काम पूरा नहीं हुआ है अभी। ये है हमारा एन टू, हो गया काम एन टू, यानी दैट इज फिल इन द ब्लैंक्स, आप भर सकते हो कि 36 किलोमीटर पर आवर में, क्वेश्चन मार्क हमें पता चल गया, 10 मीटर पर सेकंड होते हैं, ये आंसर है हमारा। फिर भी मैं एक डायरेक्ट, देखो पेपर में आएगा डायमेंशनल मेथड से कन्वर्जन करिए, डायमेंशनल मेथड से कन्वर्जन करिए, आपको इसी मेथड को अपनाना पड़ेगा, इसी मेथड को ही अपनाना पड़ेगा। लेकिन फिर भी जब धीमे धीमे प्रैक्टिस हो जाएगी तो बेटा आपको कोच ये भी सिखा देता है कि बेटा पहले तो टुक टुक करके खेलो, टुक टुक, लेकिन जब आप धीमे धीमे आगे बढ़ते हो, 20-20 मैच खेलते हो, तो फिर कोच ये कहता है साला मारना भी इसी को छक्के वक्के। तो एक डायरेक्ट तरीका भी बता रहा हूं, फिलहाल इस चैप्टर में जो आपका फर्स्ट यूटी रहने आएगा, फर्स्ट यूटी, उसमें डायरेक्ट मेथड मत करना, केवल फर्स्ट यूटी में डायरेक्ट मेथड मत करना, नंबर कट जाएंगे, क्योंकि फर्स्ट यूटी में क्वेश्चन आएगा ही ऐसे कि डायमेंशन की मेथड से, डायमेंशनल मेथड से कन्वर्जन करो, यानी इस मेथड से। लेकिन फिलहाल मैं डायरेक्ट सिखाता हूं, और डायरेक्ट मेथड कुछ नहीं है, डायरेक्ट मेथड वैसे ही है, डायरेक्ट मेथड। आपको लगेगा यार हार्दिक पांड्या बनने में फायदा है, हार्दिक पांड्या वाला मेथड है ये। देखिए क्या था, ये 36 किलोमीटर पर आवर ये था, है ना, इसको ऐसे लिखो 36, 1 किलोमीटर 1 आवर। भाई 1 तो कितनी बार लिख लो, देखो अंतर देखो, मैंने 1 1 लिख दिया, क्योंकि तो जिसका कोई नहीं होता उसका भाग 1 होता है। फिर क्या करना है, अब आपको कुछ नहीं करना, आपको जाना है मीटर और सेकंड में जाना है, तो किलोमीटर को तो मीटर में कन्वर्ट करो। बताइए 1 किलोमीटर में कितने मीटर, 1 किलोमीटर में होते 1000 मीटर, मैंने इस न्यूमरेटर में मीटर पर लिख दिए, और 1 आवर में होते 3600 सेकंड, कर दिया। तो जिसमें आपको कन्वर्ट करना है आप उसमें कन्वर्ट कर लीजिए अभी, तो ये काट दीजिए, देखो 36 से 36 कट गया, 10 10, लेकिन इस बार मीटर बचेगा, इस बार सेकंड बचेगा, कटा नहीं है किसी से, हो गया कन्वर्जन, नो डाउट। हम में से कई बच्चों को यही अच्छा लग रहा होगा, सर ये बहुत जोर का मेथड है, लेकिन मेरी बात सुनिए, एक तो ये नंबर नहीं दिलाएगा आपको, दूसरा बेटा आज ही अच्छा लग रहा है, लेकिन जब हैवी हैवी सवाल आते हैं ना, हैवी हैवी, तब शायद ये मेथड आप अटका दे आपको, जब बहुत सारे यूनिट घुसी होंगी ना, तब आपको ये अच्छा लगेगा उस समय, नो डाउट मोस्ट ऑफ द सिचुएशन में ये अच्छा लग रहा है। लेकिन बेटा राहुल द्रविड़ होने का भी फायदा है, विकेट बचता है उससे, टेस्ट मैच में ये होता है, कभी कोई बाउंसर भी आती है,
बाउंसर आती है तो उसको रोकने का काम आएगा, चेक करने के काम में आ सकता है। फिलहाल स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं अगला सवाल दे रहा हूं आपको, अगला सवाल दे रहा हूं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। और यात्री गण अपना कॉपी पेन ले लीजिए हाथ में, कई तो केवल कथा सुनने आते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट लो, अभी नहीं लिया। चलिए, एक झंडू सा सवाल आपका वेट कर रहा है। चलो पूरा मिटा देता हूं, मैं कराऊंगा उस सवाल को फिर से, लेकिन पहले आपको मौका दूंगा आपकी मदद के लिए। वो चीज नहीं मिटाई है मैंने अभी। क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है एग्जांपल, ये है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसको कन्वर्ट करना है, ठीक है, सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर में। तो शुरू हो जाओ, शुरू हो जाओ, एक बार बेटा थोड़ा दोबारा सुन लो, थोड़ा दोबारा सॉल्यूशन। सबसे पहले मैंने एक मिनट, थोड़ा आप बोर जरूर होगे कि आप ये जो है इसकी ये फिजिकल क्वांटिटी पहचानो, फिजिकल क्वांटिटी पहचानो, ये कौन सी है, ये है एक्सीलरेशन। मान लो आप एक्सीलरेशन नहीं पहचान पाए एक्सीलरेशन है, तो यूनिट उठाई मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यूनिट मीटर, सेकंड स्क्वायर, मीटर का मतलब लेंथ, सेकंड का मतलब टाइम, उस पर स्क्वायर, ये तो आपको डायमेंशन तो पता चली कि ये एल टी माइनस टू डायमेंशन है, तो आप लिख दीजिए ये कोई एक्स है और इसकी डायमेंशन एल टी माइनस टू है, क्योंकि मास है नहीं तो मास पे जीरो चढ़ा दीजिए। इसका मतलब इस फॉर्मूले को जो आप इस्तेमाल करोगे तो ए की वैल्यू जीरो है, बी की वैल्यू वन है और सी की वैल्यू माइनस टू है। फिर पिछले सवाल की तरह लिस्ट बना लीजिए यू वन यू टू। तो जब हमने इसमें बताइए, लेंथ के लिए मीटर यूज हो रहा है, टाइम के लिए सेकंड यूज हो रहा है, लेंथ में मीटर, टाइम के लिए सेकंड, मास का कोई क्लू हमें नहीं मिला, तो उसको मीटर एम वन लिखा रहने दो, सॉरी एम वन। जब हम इसमें झांका तो लेंथ का क्लू हमें सेंटीमीटर मिल गया, देखो सेंटीमीटर यूज हो रहा है, टाइम के लिए सेकंड यूज हो रहा है, और मास का कोई क्लू नहीं मिला, ठीक है। फिर एन वन कितना है, एन वन वन है ये, वो 9.8 है, और जो नया एन टू है वो हमें निकालना है। तो पहले तो ये लिस्ट सजा लीजिए जब तक आदत नहीं पड़ रही, फिर उसके बाद क्या करना है, उसके बाद कुछ नहीं करना, ये फॉर्मूला इस्तेमाल करना है। मैं डायरेक्ट फॉर्मूले को, तो देयरफॉर फ्रॉम फर्स्ट ये का फर्स्ट एन टू, हाँ जी भैया एन टू, एन वन 9.8, एम वन एम टू, M1 M2 का कोई क्लू हमारे पास नहीं है, M1 M2 उसकी पावर है भी जीरो, परेशान नहीं करते इसमें ये चीजें। L1 L2 L1 है 1 मीटर और L2 है 1 सेंटीमीटर, पावर कितनी है जो है वो लगाओ, पावर है 1, टाइम के लिए 1 सेकंड, मजे की बात है टाइम दोनों में सेकंड सेकंड था, और पावर कितनी आएगी -2। सॉल्व कर लीजिए, ये 9.8 किसी की भी पावर 0 1, ये